36 साल की शिवानी की शादी को 16 साल हो गए थे और जब से उनकी शादी हुई थी वो कंटिन्यूसली डिप्रेस थी क्योंकि उनके हस्बैंड और उनकी फैमिली उनको एक नौकर की तरह ट्रीट करते थे। ये मेरे शब्द नहीं है बल्कि ये शब्द शिवानी के हैं जब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था इंडिया स्पेंट को। उनके हस्बैंड उनको लगातार इंसल्ट करते थे शिवानी की वेट की वजह से या फिर जब वो बीमार पड़ जाती थी। इसी वजह से अगस्त 2017 में उन्होंने स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज करने की कोशिश करी अपने आप को मारने के लिए। उनको एक अस्पताल लेकर जाया गया जहाँ डॉक्टर्स ने उनकी सिचुएशन इम्प्रूव करी। अब अस्पताल ने अपना कर्तव्य निभाया पुलिस को कॉल करके, पर शिवानी और उनके परिवार ने एक लेटर साइन कर दिया कि उनकी सुसाइड अटेम्प्ट के लिए उनके हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। NCRB के 2020 के डेटा के हिसाब से एक साल में 22,000 से ज्यादा हाउसवाइफ ने अपनी जान लेने की कोशिश करी, यानी कि ऑन एवरेज हर दिन 61 सुसाइड्स पर हर 25 मिनट में एक सुसाइड। अब हम सब इंडियन सोसाइटी को जानते हैं पर हमें पता है कि ये नंबर्स अंडर रिपोर्टेड है क्योंकि शिवानी और उनके परिवार की तरह कई लोग अपने सुसाइड अटेम्प्ट्स नहीं रिपोर्ट करते। दीपा नारायण जो एक सोशल साइंटिस्ट है और जिन्होंने इंडियन वेमेन पर एक बुक भी लिखी है, वो कहती है कि किसी भी इंडियन परिवार के लिए बहुत शर्मनाक चीज होती है कि अगर उनकी घर की बहू अपनी जान लेने की कोशिश करती है, इसलिए फैमिलीज कोई और स्टोरी बना देती है। 2008 की लैंसेट रिपोर्ट ने कहा कि मैरिड वुमेन का सबसे हाईएस्ट प्रोपोर्शन होता है इंडियन वुमेन की सुसाइड डेथ्स में, जिसके कई कारण है और इस वीडियो में हम यही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि एग्जैक्ट रीजंस क्या है जिसकी वजह से इंडियन हाउसवाइफ्स सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम ऐसी सोशली और पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर रिसर्च ड्रिवन वीडियोस बनाते हैं। हर वीडियो में बहुत सारा समय जाता है रिसर्च और एडिटिंग के लिए, तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। दुनिया में हर तीसरी महिला को उसका पति पीटता है। He put me on the bed and he was just kicking on my lower back and it was... मुझे मारा पहली बार, नहीं मार सकता, बस इतनी सी बात है। तो इस वीडियो में हम तीन रीजंस पर फोकस करेंगे और पहला रीजन है डोमेस्टिक वायलेंस, और इस डोमेस्टिक वायलेंस का उनकी मेंटल हेल्थ पर एक बहुत बुरा असर पड़ सकता है। 2012 के एक रिसर्च पेपर के हिसाब से वो महिलाएं जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, उनकी 3 गुना ज्यादा संभावना हो जाती है सुइसाइडल थॉट्स एक्सपीरियंस करने के लिए। इसे कल्पना शर्मा ने ब्लूमबर्ग क्विंट को एक इंटरव्यू में बताया कि उनके अब्यूजिव हस्बैंड की वजह से उन्होंने अपने आप को 2 बार मारने की कोशिश करी थी। वो कहते हैं कि पहली बार मैंने पेस्टिसाइड पी लिया क्योंकि पिछले ही दिन उनके हस्बैंड ने उनको पीटा था। उनके इन-लॉज उनको अस्पताल लेकर तो चले गए पर बाद में उन्होंने कहा कि उनको अपने हस्बैंड से माफी मांगनी चाहिए। और COVID-19 की वजह से इंडियन घरों में ये सिचुएशन तो और भी बिगड़ गई। चैतली सिन्हा जो एक साइकोलॉजिस्ट है, वो कहती है कि टिपिकली हाउसवाइफ की जो सेफ स्पेस होती है वो उनका घर होता है जब उनके हस्बैंड्स काम के लिए निकल जाते हैं, पर ये सेफ स्पेस भी खत्म हो गई COVID-19 के दौरान। और कई बार इसका मतलब था कि कुछ हाउसवाइफ्स अपने अब्यूजर्स के साथ पूरे दिन ट्रैप थी। इसलिए अनसरप्राइजिंगली कई रिसर्चर्स ने यह हाइपोथेसाइज भी किया है कि कोविड के दौरान ये डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज किया है। इन सुसाइड्स के पीछे दूसरा मेन कारण है डाउरी। जैसे जून 2021 की बात करते हैं, 2 दिन के अंदर 3 यंग महिलाओं ने सुइसाइड नोट्स में लिखा कि डाउरी की वजह से उनको ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ा। डोना फर्नांडिस जो एक विमेंस राइट्स एनजीओ में काम करती है, उन्होंने कहा कि महिलाओं की करीब 50% सुसाइड्स डाउरी रिलेटेड होती है और ये अंडर रिपोर्टेड होती है क्योंकि लड़की के खुद के पेरेंट्स डाउरी देने में इन्वॉल्व होते हैं जो एक क्राइम होता है, तो वो पुलिस को ही क्यों रिपोर्ट करेंगे। एक पिछले वीडियो में जो आप में से कई लोगों ने देखा होगा, हमने ये डिटेल किया था कि कैसे डाउरी अभी मॉडर्न इंडिया में और ज्यादा पॉपुलर हो गई है 1920s के कंपैरिजन से। जैसे ये एक ग्राफ देखिए, जहाँ 1930s के पहले लेस देन 40% इंडियन मैरिजेस में एक डाउरी इन्वॉल्व थी, 2000 के बाद ये नंबर ऑलमोस्ट 90% हो गया। हमने उस वीडियो में बात करी थी कि पहले डाउरी का कॉन्सेप्ट एक स्त्री धन का कॉन्सेप्ट था, या डाउरी दी जा रही थी बेसिकली बेटी के लिए ताकि बेटी अपनी देखभाल कर सके अपने नए घर में, पर अब ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह चेंज हो गया। जो डाउरी होती है वो एक्चुअली अब लड़का और लड़के की फैमिली रख लेती है, और कई बार लड़का और लड़के की फैमिली अनसैटिस्फाइड होते हैं इस डाउरी से, जहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। और जैसे हमने पहले बात करी थी कि अनफॉर्चुनेट बात ये भी है कि अगर लड़की भागना चाहती है उस घर से, फिर भी उसको मजबूर किया जाता है एक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। ऐसे मुंबई की श्वेता का उदाहरण लेते हैं। श्वेता की माँ के हिसाब से उनके परिवार ने लड़के वालों को एक सोफा सेट, बेड और कबर्ड दिया था, पर उनकी डिमांड रुकी नहीं। श्वेता ने वापस अपनी फैमिली को कॉल किया और उनकी फैमिली ने फिर गोल्ड चेन, इयररिंग्स और गोल्ड एंकलेट लड़के वालों को दे दिए। इसके बाद भी डिमांड रुकी नहीं। श्वेता की फैमिली ने कहा कि अब हम और नहीं देंगे, उल्टा हम अपनी लड़की को वापस अपने घर बुला लेंगे। फिर लड़के वालों ने उनको बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कीजिए, हम इशू को सेटल कर लेते हैं।
जब श्वेता ने बताया भी अपने परिवार को कि मुझे इश्यू सेटल नहीं करना, मुझे घर जाना है, तो उनके परिवार वालों ने बोला कि नहीं, अब इधर ही रुको। और फिर उसी दिन श्वेता ने अपनी जान ले ली। और ये प्रैक्टिस बड़ी है इसके बावजूद कि इंडिया में कई एक्टिविस्ट रहे जिन्होंने डाउरी के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जैसे सत्य रानी चड्ढा जिन्होंने डाउरी के खिलाफ कई कैंपेन्स लड़े थे। और हमारे इतिहास में भी ऐसे कई एक्टिविस्ट थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने डाउरी ही नहीं बल्कि सती, पर्दा, कास्ट सिस्टम और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज उठाई थी। पर हम में से कई लोग उनकी जिंदगी के बारे में इतना जानते नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कुकू FM ऐप को, जहाँ एक ऑडियो बुक है उनकी जिंदगी के बारे में जिसमें 11 डिफरेंट एपिसोड्स हैं। इस ऑडियो बुक के अलावा कुकू FM ऐप पर आपको कई और ओरिजिनल पॉडकास्ट और ऑडियो बुक मिल सकते हैं। पर इस नए साल में कुकू FM ऐप हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रही है एक नया लर्निंग माइंडसेट डेवलप करने के लिए। कुकू FM एक ऐसा मीडियम है जो चेंज इनिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम एक किताब को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं क्योंकि अब हम ऐसी किताबों को एक ऑडियो बुक के रूप में सुन रहे हैं। इसके अलावा आपको हजारों ऑडियो बुक्स की एक्सेस मिल रही है बस एक फिजिकल बुक की कॉस्ट पे। कुकू FM का एनुअल प्लान होता है 399 रुपीस का, और क्योंकि वो इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप मोहक 50 कूपन कोड यूज करोगे तो। और ये ऑफर बस पहले 250 यूजर्स के लिए ही है, तो जल्दी ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तीसरा कारण है कि मोस्ट इंडियन हाउसवाइफ्स पूरी तरह इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होती हैं अपने हस्बैंड पर, जिसकी वजह से डिप्रेशन और हेल्पलेसनेस बढ़ जाती है और सुसाइड अटेम्प्ट की चांसेस भी। अगर इंडिया को हम दूसरी नेबरिंग कंट्री से कंपेयर करें तो इंडिया में वुमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है, और ये वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन और कम होते जा रही है हर साल। इसके बारे में हमने फुल वीडियो भी बनाया था। अब इंडियन वुमेन पेड वर्क नहीं कर रही बाहर की लेबर मार्केट में, क्योंकि उनको घर में इतना काम करना पड़ता है। सरकार के 68th NSSO सर्वे के हिसाब से 64% वुमेन ने कहा कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है घर का काम करने के लिए, क्योंकि और कोई फैमिली मेंबर ये सारी चीजें करेगा नहीं। हर दिन विमेन करीब 5 घंटे लगाती हैं अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज में और करीब 2.5 घंटे केयर गिविंग सर्विसेज में, जबकि मेन इन दोनों चीजों में करीब 1.5 घंटे ही लगाते हैं। अब रिसर्च ने दिखाया कि जब महिलाओं को खुद की इनकम मिलती है तो उनकी घर में बार्गेनिंग पावर और बढ़ जाती है, और करंट सिचुएशन में क्योंकि कई महिलाओं को इनकम नहीं मिल रही खुद की, इसी वजह से उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कम हो जाती है और कई बार वो अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाती। जैसे कई हाउसवाइफ जो डिप्रेशन से गुजर रही हैं वो ट्रीटमेंट एक्सेस नहीं कर सकती अपने डिप्रेशन के लिए। टीना गुप्ता जो एक साइकियाट्रिस्ट है वो कहती है कि क्योंकि विमेन फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है दूसरे मेंबर्स पर, इसी वजह से उनको खुद ही स्ट्रगल करना पड़ता है अपने डिप्रेशन और एंग्जाइटी से, जिसकी वजह से इंडियन हाउसवाइफ के बीच सुसाइड रेट भी बढ़ जाती है। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो हम दो तरीके के सॉल्यूशंस पर फोकस कर सकते हैं। पहले सॉल्यूशंस वो हैं जो वुमेन को डिप्रेशन और दूसरी मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिकवर करने में मदद करते हैं। जैसे हमारी सरकार मेंटल हेल्थ पर स्पेंडिंग बढ़ा सकती है। अब ये सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये प्रॉब्लम के रूट कॉज को सॉल्व नहीं करता। ये तब सॉल्व करता है जब प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट करने लग जाती है। इस प्रॉब्लम की रूट कॉज को सॉल्व करने के लिए हमें ज्यादा वुमेन को पेड वर्क अपॉर्चुनिटीज देनी होगी। और हम कैसे कर सकते हैं ये? ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करके और रूरल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देके। एक सर्वे के हिसाब से जब किसी भी गांव में कच्ची या फिर पक्की रोड बनती है तो विमेन की पार्टिसिपेशन नॉन फार्म वर्क में ऑलमोस्ट 50% तक बढ़ सकती है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के अलावा हमें लोगों का माइंडसेट भी बदलना होगा, इंक्लूडिंग विमेन के खुद का माइंडसेट। 2018 के एक ऑक्सफैम इंडिया सर्वे के हिसाब से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट्स के 33% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि एक विमेन को मारना एक्सेप्टेबल है अगर वो बच्चे की देखभाल नहीं करती, और 41% ने कहा कि ऐसा करना एक्सेप्टेबल है अगर वो अपने परिवार के मर्दों को ढंग से खाना नहीं खिलाती। अब ये स्टेटिस्टिक्स हमें बताते कि कल्चरल एटीट्यूड चेंज करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो मान लीजिए आपने डाउरी को समाव बैन भी कर दिया किसी लॉ के जरिए, पर फैक्ट है कि अगर लोगों के एटीट्यूड नहीं बदलेंगे तो वो कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लेंगे अपने सोशल नॉर्म्स को कंटिन्यू करने के लिए। इसका एक और उदाहरण लेते हैं। रिसर्च ने दिखाया कि वो महिलाएं जिनके परिवार डाउरी देते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा होती है अपने इन-लॉज के घर में। बेसिकली मतलब है कि अगर आप डाउरी दोगे तो आपको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा अपने हस्बैंड और अपने इन-लॉज से। तो अगर मान लीजिए आप किसी तरह डाउरी बैन कर लेते हैं तो इन महिलाओं का उल्टा रिस्पेक्ट कम हो जाएगा और उनकी डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाएगी। इसलिए एटीट्यूड भी बदलना बहुत जरूरी है, और इस चीज के लिए हमारी सरकार एक फ्रेमवर्क यूज कर सकती है जिसको कहा जाता है इनोवेशन डिफ्यूजन फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क के हिसाब से एक कम्युनिटी में बदलाव लाने के लिए आपको उस कम्युनिटी के की लीडर्स को आइडेंटिफाई करना होता है और उनके एटीट्यूड चेंज करने होते हैं, ताकि ये लोग
फिर अपने कम्युनिटी के चारों ओर इस एटीट्यूड को चेंज कर पाए। अब आपको शिवानी की कहानी याद है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे अपने इंट्रोडक्शन में। अपने सुसाइड अटेम्प्ट के बाद वो रिकवर करने लग गई थी और वो कपड़े और वेट लॉस प्रोडक्ट्स बेचने लग गई अपने भाई और अपने फ्रेंड्स के साथ। उन्होंने अपने हस्बैंड से डिवोर्स कर लिया और फिर किसी और के साथ उन्होंने शादी करी। उन्होंने इंडिया स्पेन को बताया कि आज वो इतनी खुश है कि वो अपनी जिंदगी बदल पाए और वो दूसरी महिला को बताना चाहती है कि सुसाइड उनके लिए बस अकेला ऑप्शन नहीं है और होपफुली हमारी कम्युनिटी ऐसी रिसोर्सेज दूसरी हाउसवाइफ्स को भी दे पाएंगी ताकि उन सबको भी अपनी जिंदगी में एक फ्रेश स्टार्ट मिल सके।